हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम मटर मसाला बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम 8 से 10 काजू लेंगे। काजू को गर्म पानी में 1 घंटा पहले भिगोकर छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद काजू को पानी से निकालकर 1 से 2 चम्मच दूध या पानी के साथ इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे, साथ में डालेंगे 2 चम्मच बटर। मशरूम मटर मसाला में बटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप इसमें बटर ज़रूर डालें। अगर आपके पास बटर नहीं है तो फिर आप इसे केवल तेल में भी बना सकते हैं। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 6 से 7 काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी, साथ में डालेंगे 1 तेज़पत्ता। कुछ सेकंड के लिए सभी मसालों को भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। जीरे को भी कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, 2 छोटे साइज़ की हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब हम प्याज को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। दो से तीन मिनट प्याज को हमने भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 से 2 मिनट इसे और भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे ज़्यादा देर नहीं भूनना है। सूखे मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद तुरंत इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज़ की टमाटर का पेस्ट और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे। और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और अब हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम मसाले को लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक ढककर पकाएंगे। बीच में हम इसे 1 से 2 बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम मशरूम को काट कर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम मशरूम लिए हैं। मशरूम को मैंने अच्छे से 2 बार पानी से धोकर लिया है। छोटे मशरूम को हम 2 टुकड़ों में काटेंगे और बड़े मशरूम को हम 4 टुकड़ों में काट लेंगे। मशरूम को हमें पहले से काटकर नहीं रखना है और ना ही हमें इसे काटकर पानी में डालना है। तो सारे मशरूम को हमने काट लिया है। 10 से 12 मिनट मसाले को हमने ढककर पका लिया है। बीच में हमने इसे 1 से 2 बार अच्छे से मिक्स कर दिया था। अब हम इसमें मशरूम डालेंगे, साथ में डालेंगे 1 कप फ्रेश मटर। दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मशरूम और मटर की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसे ढककर 12 से 15 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि मटर और मशरूम अच्छे से पक नहीं जाते। बीच में हम इसे 1 से 2 बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हमें इसे पकाते समय पानी नहीं डालना है। मशरूम में काफ़ी मात्रा में पानी होता है, तो जैसे जैसे मशरूम पकेगा इसका पानी रिलीज़ होता जाएगा। तो कुछ समय बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर से इसे ढक देंगे। तो 12 से 15 मिनट हमने इसे ढककर पका लिया है। मशरूम और मटर पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। अब हम इसमें डालेंगे काजू जो हमने गरम पानी में भिगोकर रखे थे, उसका पेस्ट हमने बना लिया था, तो काजू का पेस्ट डालेंगे।
साथ में डालेंगे 2 से 3 चम्मच फ्रेश मलाई। मलाई को हमने अच्छे से फेट कर लिया है। मलाई की जगह आप इसमें क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून कसूरी मेथी, कसूरी मेथी को हमने क्रश कर लिया है। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर और इसे 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक देंगे। 3 से 4 मिनट बाद रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम बटर मसाला बनकर तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे और इसे मिक्स करके सर्विंग बाउल में निकालेंगे। तो बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी मशरूम मटर मसाला बनकर तैयार है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।